नमस्कार, मैं स्वाति, एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम कुंडे मोहगांव में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय का हुआ आकस्मिक दौरा। आज दिनांक 20 जनवरी 2023 को ग्राम कुंडे मोहगांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में माननीय शिक्षा जिला अधिकारी अश्विनी उपाध्याय जी का हुआ आकस्मिक दौरा। संक्षिप्त चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि शासन की शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के निर्देशों का पालन उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुंचे और विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। आपको अवगत करा दें कि जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय जी ने मॉनिटरिंग किया गया एवं शिक्षकों से जानकारी ली गई। इसके पश्चात छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित किया गया, साथ ही छात्र छात्राओं से सवाल जवाब किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा छात्रों से पूछा गया भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। उस पर कई छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और बताया कि कोई डॉक्टर तो कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसी बात पर खुश होकर माननीय जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय सर ने सभी छात्र छात्राओं को ताली बजाने कहा, जिसे उनका उत्साह बढ़ाया और आप आगे बढ़े ऐसी बात रखते हुए सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए बधाइयां दी। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मैं आपका स्वागत है सर। ये जो आज जो विजिट चल रही है, ये कैसे, क्यों, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी। हमारे लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल के आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मॉनिटरिंग तीन बातों को लेकर मुख्य रूप से है। एक तो अभी बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई है, तो उस अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट क्या है, टीचर ने पाठ्यक्रम पूर्ण करा दिए हैं, ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट खराब है उन बच्चों को अभ्यास कराना है, विषय वस्तु को दोहराना है और याद कराना। दूसरी चीज, वार्षिक परीक्षा जो अभी मार्च में 1 तारीख से और 2 मार्च से प्रारंभ होने वाली है, इन वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे टीचर लोग ठीक से कर लें, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मॉनिटरिंग की जा रही है। बच्चों के साथ संपर्क किया जा रहा है और शिक्षकों के साथ भी वार्तालाप किया जा रहा है कि आपके विद्यालय में ऐसे कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाए हैं या कुछ कमियां रह गई हैं, तो ये बच्चा आने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। जो अच्छे बच्चे हैं वो और अच्छा परीक्षा परिणाम लाएं, और जो सामान्यतः कमजोर बच्चे हैं ये बच्चे अनुत्तीर्ण न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रख करके अध्यापन कराया जाए। क्योंकि अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन बच्चों के माँ बाप, परिवार, समाज और विद्यालय के लिए भी एक अच्छा नहीं होता है। सर बढ़िया बोर्ड वोर्ड लगा के जी सर, ये बन जाने के कारण इन कमरों में एक चीज ये है कि आप क्लास नहीं ले पाओ। जी सर, या कम क्लास, कम बच्चे हो तो ले सकते हैं 15-20 ऐसा होता है, तो बाकी उसमें प्रैक्टिकली कैसे होगा, रूम खाली रहता तो फिर उपयोग में आ जाता है पढ़ाई लिखाई। केमिस्ट्री वाले कौन है सर? सर वहीं पे है सर, वहीं पर है। अतिथि शिक्षक है सर? जी सर। शरारत है बोर्ड से? वार्षिक परीक्षा हुई है? यस सर। रिजल्ट आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। आप लोगों को जो अपना कापी जो लिखे हैं आप लोग उत्तर पुस्तिका वो मेरी देख लेंगे? सर एक काम करें आप। जी सर। आ जाए तो टीचर आ जाओ, कापियों को अपने जो बच्चों को दिखाना है और जो टीचर है वो टीचर और कापियों में जो कमी है जैसे पत्ते लिख पाए हैं इसको पढ़ा।
गलतियाँ क्या अभी सर लोगों ने बताया, सिर्फ वो माइंडफुल नहीं हो पाई जी सर, जो गलती अपन ने की है वो सुधारे, जो प्रश्न छोड़ दिए उसको पूरा किए, प्रैक्टिकल चल रहे हैं पूरे हो गए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की एग्जाम कब होगी, प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी लेकिन अभी आपको चाहते थे बने रहिए हमारे साथ एमबीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।